Hey guys, so welcome back to my channel. आज है राखी. This is my की outfit. हमने भी और जय को सबको राखी बांध दी है कि बाद में ये intro start कर रही हूँ. अभी planning बस इस तरीके से, हम जाएंगे चाचा के यहाँ, फिर हम शायद जाएंगे बुआ के यहाँ, और थोड़ा बारिश वाला मौसम भी हो रहा है, हल्की हल्की छींटे पड़ रहे हैं. अभी बस नाश्ता करते हैं और फिर हम यहाँ से निकलते हैं. परसों पापा और हम अभी गाँव से आ गए थे, ट्रेवल अब तो प्लान कैंसिल हो गया था. आज मौसम भी इतना मस्त हो रखा है. अभी चलते हैं नीचे, देखते हैं सब क्या कर रहे हैं. मम्मी खाना बना रही है. मैं अभी खाने के लिए रोटी बना रही हूँ, बड़े बनाए, छोले, खीर. आज सारा खाना मम्मी ने ही बनाया है. नाश्ता कर लेती हूँ, हम निकलेंगे थोड़ी देर में क्योंकि शाम को इसको भी जाना है और मेरी भी नाइट है. सो तो आज पाऊंगी नहीं. ये है आज का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, पहाड़ी रायता, छोले, बड़ और पूड़ी. हमने खाना वगैरह खा लिया और मैं टीका लगाना भूल गई थी, तो मैंने अभी टीके लगाया, कुछ रील्स बनाई है, फोटोज क्लिक नहीं करी है बस अब तक. और कार्तिक सो रहा है और हम निकल रहे हैं. बस मैं, तान्या और कार्तिक जा रहे हैं. हल्की हल्की बारिश हो रही है, अगर बारिश तेज होगी तो हम कैब से जाएंगे, अदरवाइज हम ऑटो से जाएंगे. A few minutes later. तो हम लोग जा रहे हैं मेट्रो से क्योंकि यहाँ ट्रैफिक होता ना बहुत ज्यादा. हमने सोचा रोड में भीड़ होगी बट मेट्रो भी बहुत भरी हुई थी, तो अभी हम उतर गए दूसरी वाली मेट्रो का वेट करेंगे. हम नए नए एक्सपीरियंस ले रहे हैं, नया नया हमें पागल बना दिया है. मेट्रो में भीड़ नहीं होगी बोल के मेट्रो में इतनी जल्दी भीड़ हो रही थी क्योंकि रोड में ज्यादा भीड़ होती ना. फाइनली हमने एग्जिट ले लिया, अब हम मेट्रो से उतर के रिक्शे पे जा रहे हैं. फाइनली एक अंकल थे, वो मुझे देखने लग गए. यार आने कहाँ से जाने, मैंने पहली वाला थोड़ी था, दूसरा वाला था, पहला वाला था, मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता. वैसे हम पहुँच गए हैं और अब हम राखी वाखी बांध के फिर अभी हम यहाँ से निकलेंगे ना, फिर मैं आपसे मिलूंगी. यहाँ पे हो गया सब डन, अब हम जा रहे हैं दूसरी वाली बुआ के घर. तो अब हम लोधी रोड पहुंच चुके हैं. लो बुआ हाय बोलो पीछे बढ़ के. तो पहली डेस्टिनेशन पार करके अब हम अपनी दूसरी डेस्टिनेशन के लिए जा रहे हैं, जो कि हम बस से आए इतने सारे जने. पहुंच गए हम अपनी बुआ के यहाँ. कार्तिक को अब इस तरफ चला दिया और इसको मैंने अपनी चुन्नी उड़ा दी. हाँ, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है इसको पकड़ पकड़ के. ताने मांग रही है पर मैं दे नहीं रही, क्यों बंद क्यों कर दूँ. ताने को शर्म आ रही है, पर जब यहाँ कोई है ही नहीं तो क्यों शर्माना, जब लोग होंगे तब शर्माऊंगी ना. तो अब चलते हैं वहाँ, राखी बांधते हैं, फिर देखती हूँ टाइम बचेगा तो पहले घर जाऊँगी, नहीं बचेगा तो फिर ऐसे ही हॉस्पिटल चले जाऊंगी. और उतने आगे पहुंच गए आने और मैं अभी जा रहे हैं. बकरे के डरते हैं बकरी है बकरा. गाड़ी की तो मोटे किस्ते, गाड़ी की हाँ ये होना चाहिए. तो बांध दिया हमने इधर भी भैया और को राखी. बुआ तो अभी ड्यूटी पे गई है, हम फोटोज वगैरह करते हैं फिर निकलेंगे. आ जाओ जल्दी फोटोज करें. आई नहीं रखूँ तब से बुला रही हूँ. तो बस हम निकल गए यहाँ से, हम जाएंगे सीधा घर जीजू की गाड़ी में.
दीदी ने हमें सरप्राइज दिया, दीदी ने डरा के बुलाया। भोला का गिफ्ट हाँ ले लिया, रख दिया। हाँ ड्राइवर दिखाओ, ड्राइवर बाय बाय। तो फाइनली हम अपने घर पहुंच गए, बहुत ज्यादा थक गए क्योंकि हर बार क्या होता है कि सब लोग एक ही जगह पे मिलते हैं, पर इस बार हम पहले चाचा के यहाँ गए फिर बुआ के यहाँ गए, तो बहुत ज्यादा थक गए। अभी बज रहे हैं 6:15 शायद, अभी 6:15 हो रहे हैं और मैं निकलूंगी यहाँ घर से 7 बजे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई। तो मैं सीधा मेट्रो लेके फिर वहाँ से ऑटो ले लूँगी, तो मैं 1 घंटे में पहुँच जाऊँगी, इसलिए 8 से 8 मेरी शिफ्ट है, फिर कल 8 बजे के बाद मैं फिर से फ्री हूँ। तो कल करूँगी मैं रेस्ट आज के बदले का। ये वाला ब्लॉग अब मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय। आज है 12 तारीख और तान्या और कार्तिका जा रहे हैं शाम को। मैं भी सुबह नाइट करके आई थी फिर सो गई थी, उसके बाद अभी 4:30-5 बजे उठी हूँ और अब मैं जा रही हूँ उन लोगों को छोड़ने। सुबह मैं वहीं से जाऊँगी ऑफिस, मैंने कैब भी बुक कर दी है, तो कैब हमारी आ रही है 5 मिनट में। मेरी मम्मी टीका लगा रही है कार्तिक को और उसके बाद फिर हम निकलते हैं। क्या हो गया, शर्म आ रही है बाबू?